हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रह भाणी। हेलो भाइयों, मीन राशि पर राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि पर इस राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैनो भाइयों, मीन राशि भावनात्मक राशि है, गुरु की राशि है। जब लग्न पर राहु की स्थिति रहेगी तो आपको अव्यवस्थित कर देगी, अव्यवस्थित दिनचर्या, अव्यवस्थित पारिवारिक माहौल, स्वास्थ्य के मामले में भी अव्यवस्थित स्थिति, यानी स्वास्थ्य भी कभी ठीक और कभी परेशान। और ये सब कुछ कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये जो राहु है ये आपकी मन स्थिति को बिगाड़ेगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ये राहु का गोचर आपकी मन स्थिति को बिगाड़ेगा। अब ये क्या परमानेंट बिगाड़ के रखेगा? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि राहु तात्कालिक मैत्री संबंध बनाकर के राहु के साथ पूरे राहु के गोचर काल के दौरान रहने वाला है। यानी ऐसी स्थितियां एकदम से प्रकट होंगी, थोड़ी आपको डिप्रेस्ड करेंगी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। आपका प्रेशर बढ़ सकता है और सबसे बड़ी जो आपके साथ नकारात्मक बात है वो है आपको एक अज्ञात डर पैदा हो जाएगा, जो अज्ञात डर आपको आपके कलेजों को हमेशा दबाता रहेगा। यानी एक डर जो आपको हमेशा कमजोर रखने का प्रयास करेगा, बस यही सबसे नकारात्मक पक्ष है। बहनों भाइयों, मीन राशि पर राहु का गोचर आपके लिए, आप मीन राशि के हैं, अब पीला रंग है, पीले रंग में काला रंग मिला दो तो कैसा रहने वाला है, या नीला रंग मिला दो, अब पीले में नीला मिल जाता है तो हरा रंग बन जाता है, हरा रंग बन जाएगा यानी बुध। यहां पर बुद्धि का प्रयोग करना है आपको, और बुध आपका मजबूत अगर है तो फिर बहुत आपको बुरे रिजल्ट नहीं मिलने हैं। जन्म कुंडली पर बुध आपकी स्थिति अच्छी है, अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे इस राहु के गोचर। पांचवें भाव में दृष्टि, संतान से संबंधित परेशानी, कुछ मानसिक उलझन, संतानों को भी कुछ तकलीफ समस्या दूसरी दृष्टि। सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में भी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहना या पति का स्वास्थ्य, स्पाउस की दिक्कत। और तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, धर्म भाव पर, धर्म में भी बहुत आपकी स्थिति ऐसे रहने वाली है कि धर्म को आप गहराई से समझने वाले हैं। अब धर्म की जो हल्की बातें हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगी, अब धर्म को आप गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानने का प्रयास करेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने भाइयों, स्वर्ण यानी सोने के पाए से आपकी राशि का आगमन है तो इतना तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि धन की कमी तो नहीं रहेगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से आपके धन की व्यवस्थाएं होती रहेंगी, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। लेकिन आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो थोड़ा मान सम्मान में कमी हो सकती है, आपकी गुडविल में फर्क पड़ सकता है, पारिवारिक माहौल असंतुलित हो सकता है। तो आपको चाहिए कि भगवान गणपति का मंत्र जप करें और शिव जी की आराधना करें। आप सुखी रहें, समग्र रहें, शिव मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।